10 मिनट बाद आई धड़कन वापस। समस्तीपुर का रहने वाला निशांत कुमार 10 हाइपरट्रोपी कार्डियोमायोपैथी नामक बीमारी से ग्रसित था। इसका इलाज कराने का IGDMC आया था। इसी दौरान गुरुवार को वह अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर अचानक गिर गया। ऑनन फौनन में उसे कार्डियोलॉजी विभाग लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी धड़कन बंद पाई। वह मौत के नजदीक जा चुका था, अंतिम समय था, लेकिन डॉक्टर ने हिम्मत से काम लिया। डॉक्टरों ने तत्काल से बच्चे को ऑपरेशन किया और उसके हृदय में ICDC लगाया। इसके बाद वह ठीक है। फिलहाल उसे अस्पताल में CCU में रखा गया है। अस्पताल के हृदय रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर VP सिंह ने बताया कि बच्चे को हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी बीमारी हो गई थी। इस बीमारी में मरीज को थकान, धड़कन से में रुकावट, हार्ट अटैक, अनियंत्रित होकर दिल का धड़कना और अचानक से कार्डियक डेथ तक हो जाती है। इसी कारण से बच्चे का दिल धड़कना बंद हो गया था।